नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुहागिन महिलाओं ने की सोमवती अमावस्या की पूजा, अखंड सौभाग्य की कामना के साथ परिवार की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। परिवा पर बाजारों में छाया रहा सन्नाटा, बंद रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान। दीपावली के दूसरे दिन परिवा पर प्रतिष्ठानों को बंद रखने की है परंपरा। और मकान में लगी आग में जलकर खाक हुआ गृहस्थी का सामान और नकदी। दीपावली की रात शहर के अलग अलग स्थानों पर हुए करीब 10 अग्नि हादसे, चार पहिया वाहन में भी लगी भीषण आग। अखंड सौभाग्य की कामना से सुहागन महिलाओं ने सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव एवं माता पार्वती का पूजन किया। इस दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के पेड़ की परिक्रमा का भी विधान है, लिहाजा महिलाओं ने 108 बार परिक्रमा करके पति की दीर्घायु की कामना की। दीपोत्सव पर्व पर सोमवती अमावस्या का संयोग बना है और इस दिन भगवान शिव एवं पार्वती के पूजन का विधान है, लिहाजा सुहागन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ विधिवत पूजन किया। इस दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। महिलाओं ने इसकी 108 बार परिक्रमा कर पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नर्मदे हर। आज सोमवती अमावस्या का सोमवार के दिन बहुत ही अच्छा महत्व बताया गया है। क्या जैसा कि कल दीपावली रही, आज सोमवती अमावस्या पड़ गई है। इसमें सुबह जल्दी स्नान करके, घर की पूजा पाठ करके यहाँ पर पीपल देवताओं की फेरी लगाने आते। फेरी 108 आप किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो। इससे क्या है, घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। सोमवती अमावस्या एक 108 प्रदक्षिण करते हैं। इसमें कोई भी वस्तुएँ ले लो, खाने की या फिर चढ़ाने की, कुछ भी 108 लेके प्रदक्षिणा करते हैं। माता तुलसी की पूजा करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं। इसमें ज्योतिषविदों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज दिन सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या के रूप में मनाए जा रहे हैं। माँ नर्मदा तटों पर सुबह से वो सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं श्रद्धालु स्नान करते हुए आप आंवले की और तुलसी की परिक्रमा करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अपने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णमासी अमावस्या में पवित्र नदियों में स्नान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। स्नान करने के उपरांत ब्राह्मणों को दान का, पूजन पाठ करने का विशेष महत्व है। माँ नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालु तटों पर स्नान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित करते हुए अपना पुण्य कर्म। दीपावली के दूसरे दिन परिवा पर शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि परिवा के दिन लेन-देन एवं व्यापार संबंधी कार्य नहीं किए जाते, इसलिए व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर व्यवसायियों ने व्यापार को विराम दिया। परिवा पर शहर के मुख्य बाजारों समेत अन्य इलाकों के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ताले लटके नजर आए। व्यापारियों एवं आम जनता के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन व्यापारिक लेन देन को विराम देने की परंपरा है और वर्षों से सभी व्यापारी इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। आज परमा के दिन सभी दुकानें बंद हैं, तो वही एक ही दिन आदमी को रेस्ट मिलता है परमा के दिन। केवल चाय की दुकानें बस खुली है, पोहा वगैरह का ठेला। आदमी को तो सवेरे सवेरे नाश्ता चाहिए है। प्रतिष्ठान क्यों बंद रखते हैं आज दूसरी दीपावली के? आज के दिन इसलिए रखते हैं, दीपावली के दिन परमा रहता है और परमा के दिन दुकान, तो आदमी को एक दिन का रेस्ट तो चाहिए चाहिए। बाकी दिन तो आदमी कर्मचारी भी दुकान में काम करते हैं, इसी कारण दुकानें बंद रखते हैं। परिवा है आज, परमा मानते हैं इसको, दीपावली के दूसरे दिन बंद रहता है। ऐसे होली में रहता है, कुछ सरकारी संस्थाएँ, कुछ सरकारी संस्थाओं की छुट्टी भी, लेकिन बैंक वगैरह खुले हुए हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर कुछ दुकानें भी खुली भी नजर आईं। दीपावली की रात में हुई आतिशबाजी के बाद शहर की सड़कों और नर्मदा तट ग्वारी घाट में भी पटाखों के अवशेष एवं कचरा फैला रहा। सफाई व्यवस्था ठप होने से कई स्थानों पर लगे कचरे के ढेर तो सड़ांध मारने लगे हैं। वहीं ग्वारी घाट में सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानी खानी पड़ी। दीपावली पर शहर में जमकर आतिशबाजी हुई और इस दौरान पटाखों के अवशेष और कचरा भी जमकर फैला। दीपावली के बाद सुबह शहर की सड़कों पर कचरा नजर आया और खास बात ये रही कि सफाई व्यवस्था भी ठप रही, लिहाजा सड़कों पर पटाखों के कागज और यहां वहां फैला कचरा लोगों को मुंह चढ़ाता रहा। कल दीपावली हुई थी, आज कचरे का ढेर देखो जमाने में लगा हुआ है। आस पास आप देखो, सब हुआ है, कचरा पड़ा है यहाँ।
कोई साफ सुबह से कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बाग आ रहे जा रहे, अपना त्यौहार मना लिए, लेकिन कचरा दुकानदारों ने सब फैला के चले गए। एक तरफी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और जमाने दुकानदार को अलाउड करा गया है गोल बाजार में, वो जमाने में लगा लेते हैं और कचरा करके छोड़ के चले जाते हैं। दिक्कत ये है कि पूरे शहर में अभी मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर सिर्फ कचरा और मतलब अव्यवस्था पूरी है। प्रशासन इस तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मचारियों को सचेत करना चाहिए। और क्योंकि अगर जैसा जबलपुर का नाम है सुबह सफाई हो जाती थी, आज देखो पूरे दिन आदमी निकल रहा है छुट्टी मना रहा है तो रोड के ऊपर इतनी गंदगी, इतना कचरा है कि ना कर्मचारी दिख रहे हैं, सिर्फ कचड़ा ही कचड़ा दिख रहा है। तो प्रशासन से एक बार रिक्वेस्ट है कि वो इस ओर ध्यान दें, अपना स्वच्छता की निशानी साफ़ सफाई होती है। प्रदूषण अगर शहर में रहेगा तो आदमी बीमार होगा, परेशान होगा, तो उससे अच्छा अपन पहले ही साफ़ सफाई रखें तो उससे शहर का विकास भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा हर आदमी को, त्यौहार खुशियों से मना सकता है। वहीं नर्मदा तट गौरी घाट में भी दीपावली की रात खूब आतिशबाजी हुई और वहां पर भी फटाखों के अवशेष बिखरे रहे, जिसके कारण सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको पवित्र क्षेत्र को घोषित कर दिया, पर घोषित करने से क्या हुआ, जब उसका पालन नहीं, धरातल पर अगर कोई शासन का अमला नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर देख आप देख सकते हैं कि कितना है, आतिशबाजी में रोक लगाई जाए और मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्ति रखा जाए, यही हमको प्रशासन से। तो दीपावली में कल क्या है, फटाखे वगैरह? अरे बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी है। प्रशासन तो दावे बहुत सारी करता है कि हम आतिशबाजी नहीं रोकेंगे, पर आतिशबाजी इतनी होती है कि जिसका कोई सीमा नहीं, पूरा कचरा दरा हुआ है और ना नगर निगम के कर्मचारियों का ध्यान है। देखिए अभी 11 बजे हैं, अभी तक कोई सफाई वाले नहीं आए। सफाई ना होने पर शहरवासियों ने कहा कि जिम्मेदार विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दीपावली की रात शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 10 अग्नि हादसे घटित हुए। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इन अग्नि हादसों में सबसे भीषण हादसा सिल्वर ओम कंपाउंड में घटित हुआ, जहां एक मकान में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कई स्थानों पर कचरे के ढेर और एक वाहन में आग लगने की घटना घटित हुई। दीपावली की रात शहर के अलग अलग स्थानों पर करीब 10 अग्नि हादसे घटित हुए। इनमें मकानों अलग अलग स्थानों पर कचरे के ढेर में लगी आग के मामले शामिल हैं। बीती रात ओमती थाना क्षेत्र सिल्वर ओम कंपाउंड में एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा गृहस्थी का सामान और नकदी जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पीड़ित मोहम्मद शहबाज ने बताया कि वह और उसके परिजन मकान की पहली मंजिल पर बैठे थे, इसी दौरान घर की गैलरी और पोर्च में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने पूरे घर को लपेटे में ले लिया, जिससे गृहस्थी का पूरा सामान और घर में रखा कैश जलकर खाक हो गए। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, घर में कोई नहीं था, नाइट गोल हुई तो हम लोग सडन में बाहर आया तो जब बाहर इस कमरे से जब बाहर आया मैं अपने कमरे से, तो मैंने देखा कि जो साइड में पोर्च है उसमें बहुत जम के आग पकड़ी हुई है। तो मैंने फटाफट मम्मी लोगों को निकालने की कोशिश की, तो इसके चलते क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर यहाँ वहाँ नीचे जाके हेल्प मांगी, ये वो पानी गिराने की कोशिश की। आग का जोर इतना था कि घर में बहुत तेजी से आग पकड़ ली थी, जिसमें कि मेरा कमरा जो वहाँ पे साइड में हैगा और सामने का हिस्सा और हॉल में बहुत भीषण आग लग गई थी। भीषण आग लगने के कारण हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब सब जल के खाक हो गया, पूरा नुकसान हो गया, समझ लीजिए आप। कैश तो कैसे बताऊँ, सामान भी था, सामान का तो कह नहीं सकते सर, पूरा सभी खाक हो गया जल के। कैश 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर का कैश रखा हुआ था मेरा। 10:30 बजे हमें समदड़िया होटल के बाजू से सिल्वर कंपाउंड में आग लगने की सूचना मिली थी। गाड़ी लेकर गया, मकान में आग लगी थी, जो कि मकान में गृहस्थी का पूरा सामान जल चुका है। आग को पूरी तरह बुझा के वापस आ। कितनी गाड़ियां हैं? अपनी दो गाड़ियां हैं। वहीं चंद्रिका टावर के पास एक वाहन में भीषण आग लग गई, इस हादसे से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया। अग्नि हादसे की वजह फिलहाल अज्ञात है। वहीं सिविल लाइन विजयनगर और भवरताल उद्यान के नजदीक भी मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। कल रात को हम लोग घर चले गए तो हम लोग को सवेरे पता चला कि गाड़ी में आग लग गई है, मतलब कोई ने लगा दिया गया।
इसके पहले भी गाड़ी के पूरे कांच फूट गए थे इसके, जब हम लोग ने गाड़ी वाले को भी एक बार बता चुके हैं जो बनने आई रही गाड़ी, मगर गाड़ी वाला कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, न कुछ बोल रहा है। पैसा हम लोग को 80-90 हज़ार रुपये चाहिए था, गाड़ी वाले उठाने ही नहीं आ रहे। गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी वाले चलो बोल दी रही है कुछ 19-20 नुकसान हो जाए तो इसके जवाबदार हम लोग नहीं है, गाड़ी वाले फोन ही नहीं उठा रहे। गाड़ी किसकी है और कौन से? गाड़ी कस्टमर है बनने आई ठाकुर साहब की, कोई आग लगी होती तो बम के अंदर पूरे देखिए आप, इसके ऊपर टायर डला है, आग लगा है अंदर पूरे बम के पूरे फटाके के सामान डले, पूरी कंप्लीट बन के खड़ी थी वो गाड़ी। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में कचरे के ढेर में भी आग लगने की घटनाएं घटित हुई हैं। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पश्चिम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह भी जनसंपर्क और चौपाल के जरिए मतदाताओं के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में चौपाल लगाई और जनता से आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार राकेश सिंह द्वारा व्यापक रूप से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत क्रेशर बस्ती में चौपाल लगाई गई और इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से बात कर उन्हें विश्वास दिलाया कि पिछले 10 वर्षों में विकास के जो कार्य नहीं हुए वो उनको प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे एवं भाजपा के दृष्टि पत्र में जो भी वायदे किए गए हैं उसके अनुरूप ही कार्य होगा एवं प्रदेश और देश में पश्चिम विधानसभा सबसे विकसित विधानसभा के रूप में जानी जाएगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज क्रेशर बस्ती में हम आए और आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और भाई इकट्ठा हुए हैं। लोगों के भीतर एक इस बार परिवर्तन की लहर है। पश्चिम विधानसभा में लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में विकास के नाम पर केवल शोषण हुआ। लोग अब नहीं चाहते कि उन्हें पन्नी और तिरपाल मिले, लोग नहीं चाहते कि चुनाव में शराब बटे, और लोग चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान मिले, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, हर महीने मुफ्त में जो राशन मिलता है वो नियमित रूप से मिले। वो चाहते हैं कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इनका लाभ मिले। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से ही मिलना है, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, प्रत्याशी के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रही है। जयप्रकाश नगर वार्ड में मतदाताओं के पास पहुंचे उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अभिलाष पांडे ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सेवा के संकल्प के साथ जनता से आशीर्वाद मांगा और जन कल्याण को ही अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाष पांडे ने जयप्रकाश नगर वार्ड में जनसंपर्क किया। स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर मतदाताओं के बीच पहुंचे अभिलाष पांडे कि इस विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से विकास कार्यों की गति धीमी है और कई स्थानों पर तो जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में यदि उनको अवसर मिलेगा तो वो जन कल्याण एवं विकास कार्यों के लिए समर्पित रहेंगे। आज जयप्रकाश नारायण वार्ड में हम सब लोगों ने जनसंपर्क किया है। सबसे पहले तो दीपावली के पावन अवसर की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस भी है, अमावस्या के दिन सकल जैन समाज दीपावली उत्सव मनाता है, इसलिए दीपावली की जैन समाज के समस्त नागरिक बंधुओं को, माताओं बहनों को, सभी को शुभकामनाएं और सभी धर्मावलंबियों को जिन्होंने कल दीपावली मनाई है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज आशीर्वाद मांग रहे हैं इस बात के लिए विकास करना है, साथ ही जो संकल्प लिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सेवा, ये 5 थीम को बनाकर हम सब लोगों ने इस पूरे अभियान पे संकल्प लिया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिन बातों को मैंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है वो इस उत्तर मध्य विधानसभा के चहुमुखी विकास की ओर है, भविष्य की योजनाओं की तरफ है और युवाओं के सृजन, रोजगार के लिए है। ये सारे विषयों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। अपार जन समर्थन और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है और उत्तर मध्य विधानसभा में कमल खिल। भाजपा प्रत्याशी ने वार्ड में जनसंपर्क कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। पूर्व विधानसभा
क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां से सभी 6 प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लखन घनघोरिया ने द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में जनसंपर्क कर कहा कि अगर जनता प्रदेश में उनकी सरकार चुनती है तो पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार ढोल बाजे और अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। शनिवार को उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में घर घर कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर जनता प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनती है तो कांग्रेस पार्टी महिला सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस, 100 यूनिट फ्री बिजली, पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत प्रदेश की जनता को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 5 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें मुख्य रूप से सरकार यदि आती है तो 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। 1500 रुपये प्रति माह, इसका मतलब सीधा सीधा है साल भर का 18,000। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मतलब एक परिवार एक साल में कम से कम 12 गैस सिलेंडर का उपयोग करता है, लगभग 600-700 रुपये की बचत और कुल मिला के लगभग 7,000 रुपये साल का। 18,000 प्लस 7,000 बोल रहे तो 25,000 रुपये की ये राहत। इसके साथ साथ यदि किसी परिवार में कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको 1 से 8 तक की क्लास के लिए 500 रुपया और 8 से 10 तक की क्लास के लिए 1,000 रुपये और 10 से 12 क्लास के लिए 1500 रुपये। आप समझ लीजिए कि साल भर में लगभग 25,000 रुपये की बचत मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये ऐलान है। और यदि सरकार बनती है तो 30-35,000 की यदि बचत होती है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी तेजी से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के 2,16,277 मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना का सघन जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में उनके द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड में मतदाताओं से मुलाकात। उत्तर मध्य विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार विनय सक्सेना क्षेत्र के 2,16,277 मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं और इसके लिए वो सतत जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड में जनसंपर्क किया। उत्तर विधानसभा के विकास कार्यों के लिए संकल्पित विनय सक्सेना ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा तो वो क्षेत्र के अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराएंगे और इस विधानसभा को प्रदेश की सबसे बेहतर विधानसभा के रूप में विकसित करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे अन्य कार्यों का समावेश होगा। आज हम लोग मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड का दौरा कर रहे हैं। सुबह से जनसंपर्क चालू है, सभी साथी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के और क्षेत्र के सम्मानित माताएं बहनें और माताओं बहनों के चेहरे की जो खुशी है, इनका पूरा भरपूर आशीर्वाद मुझको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इनसे रिश्ते बनाए हैं, सुख दुख में खड़े रहे हैं और 5 साल घर घर मोहल्ले मोहल्ले लोगों के दरवाजे दरवाजे सुख दुख का नाता बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 17 तारीख को भरपूर आशीर्वाद इसने और वो जी जी हाँ बस ध्यान रखिएगा।
पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोत मतदाताओं के बीच पहुंचकर उनसे लोकतंत्र के महायज्ञ में मतदान की आहुति डालने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर कहा कि यदि उन्हें अवसर मिलेगा तो इस असेंबली को समूचे प्रदेश में एक आदर्श असेंबली के रूप में स्थापित किया जाएगा। पश्चिम विधानसभा में पिछले 2 बार के विधायक रहे कांग्रेस उम्मीदवार तरुण भनोत क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क में है। जनसंपर्क के माध्यम से वो जनता तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं एवं अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन भी अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर तरुण भनोत ने उनसे कहा कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मतदाता मतदान की आहुति जरूर डालें। तो सबको दीपावली त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज चुनावी माहौल बिल्कुल नहीं है, आज एक पारिवारिक माहौल में हम सब अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, इंदिरा गांधी वार्ड में है और सबको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और सबके घर पर जाके मिठाई खा रहे हैं। कल भाई दूज है तो सबको भाई दूज की भी बहुत सारी शुभकामनाएं और 17 तारीख को जो इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है उसमें सब अपनी एक एक आहुति डालेंगे और अगले 5 साल मुझे पूर्ण विश्वास है पुनः सेवक के रूप में जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरी तरफ से एक बार पुनः दीपावली की और भाई दूज की सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि उन्हें तीसरी बार मौका मिलेगा तो वो इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। ये तो उल्टा हो रहा ना। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विकास के संकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करने में जुटे हैं। सोमवार को उन्होंने सिद्ध बाबा वार्ड में जनसंपर्क कर लोगों की समस्या सुनी और कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो प्राथमिकता के साथ उन समस्याओं का निराकरण करे। विधानसभा चुनाव के समर के चलते पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ सिद्ध बाबा वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाली और पानी क्षेत्र की 2 बड़ी समस्याएं हैं, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो प्राथमिकता के साथ लोगों की इस समस्या का निराकरण करेंगे। सबसे पहले तो हम इस दीपावली के पर्व पर समस्त हमारे पूर्व विधानसभा के साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को हम बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हैं। जिस प्रकार से हम आज हमारा सिद्ध बाबा वार्ड में जनसंपर्क चल रहा है पुनः और इसमें बहुत प्यार मिल रहा है, बीजेपी का भी राहुल जब काम नहीं किया है और कांग्रेस का 10 साल से विधायक हो गया उसके भी उसने भी कोई विकास का काम नहीं किया। यहाँ पे पानी की समस्या थी जो हम लोगों ने नगर निगम में जाके यहाँ पे नल की पानी की समस्या हमने अपने चुनाव के पहले ही इस समस्याओं को यहाँ का प्रयास किया कि खत्म करवाए। पूरे मध्य प्रदेश में पक्के मकान का पैसा आ रहा है लेकिन इस विधानसभा में नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं आया, लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी। ऐसी स्थिति में हमारा विधायक सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करी जाए और जो उनके कच्चे मकानों को पक्के पैसे दिलाए जाए। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि वो पहले भी इस क्षेत्र में जनसंपर्क कर चुके हैं लेकिन जनता ने उन्हें दोबारा बुलाकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ नाठी शर्मा ने एसपी के नाम शिकायत सौंप कर बरगी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव का आरोप है कि उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले और आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आरोप और प्रत्यारोप के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ नाठी शर्मा ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को लिखित शिकायत देकर बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह के मोबाइल और उनके एक कार्यकर्ता के मोबाइल से कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सौरभ नाठी शर्मा ने इस मामले में पुलिस से 24 घंटों के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो वे अपने समर्थकों के साथ बेलखेड़ा थाने तक शांति मार्च निकालेंगे।
बरगी विधानसभा में नीरज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भाई गोलू सिंह, कल नीरज सिंह के मोबाइल से जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे मेरे को रात को 3:36 पे फ़ोन आता है और धमकी दी जाती है, अपशब्द कह के कि गोली मार के हत्या कर दी जाएगी, लाश भी नहीं मिलेगी, क्षेत्र में दिखना नहीं। फिर जब नीरज सिंह को होश आता है कि मैंने अपने मोबाइल से फ़ोन लगा दिया है तो अपने ही एक कार्यकर्ता के मोबाइल से लगाता है जिसका नाम है शील जैन। तत्काल 2 मिनट के बाद 3:38 से उसके मोबाइल से फ़ोन आता है और 2.5 घंटे जो उसका धमकी देने का अंदाज था वह निरंतर जारी रहा। ये समूची बात से ये बात साफ हो चुकी है कि बरगी विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते। ये गोलू सिंह के आपराधिक प्रकरण, ये 18 आपराधिक प्रकरण है गोलू सिंह के, जिसमें 3 साल गोलू सिंह जैसा अपराधी जेल भी काट चुका है। गोलू सिंह, नीरज सिंह ये एक ऐसे अपराधी हैं जिससे बरगी विधानसभा का प्रत्येक नागरिक डरा हुआ है। ये तमाम एविडेंस के साथ हम लोगों ने एडिशनल SP महोदय से मुलाकात करी, शपथ पत्र सहित उनको ये समूची चीज़ें हमने उपलब्ध कराई है। उनसे मांग करिए कि 24 घंटे के अंदर गोलू सिंह का जिला बदर किया जाए या उसको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ा जाए, और अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करता है तो मैं अपने हजारों समर्थकों के सहित शहपुरा से मार्च करते हुए बेलखेड़ा तक शांति मार्च निकालूंगा। अगर कोई ऐसी अराजक स्थिति बनती है, ये समूची जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। हमने यहाँ पर मांग करी है पुलिस प्रशासन से कि जब तक चुनाव नहीं हो रहा है मेरी जान को खतरा है, मेरे को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मेरे साथी, हाँ, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस का, उनको 4:00 प्रत्याशी द्वारा, उनके भाई के द्वारा गोली मारने की धमकी दी जाती है। हाँ, पंडित सौरभ शर्मा जी को भाजपा प्रत्याशी द्वारा, उनके भाई के द्वारा पहले उन्हीं के फोन से धमकी दी गई कि तुम्हें गोली मार देंगे, तुम घूम कैसे रहे। इसके बाद दूसरे ने फोन लगाया तो दोनों फोन सौरभ ने रिकॉर्डेड भी किए। जिला बदर की कार्यवाही प्रशासन नहीं करता ऐसे गुंडों के ऊपर, रोक नहीं लगाता तो सौरभ शर्मा अपने साथियों के साथ बेलखेड़ा थाने का घेराव करने का काम करेंगे। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर जांच करके 24 घंटे के भीतर कार्य करने का आश्वासन दिया है। अभी सौरभ शर्मा जी आए हुए थे, उनका ये कहना है कि कल रात्रि में 13:11 को किसी गोलू सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा पहले मोबाइल पर उनको धमकी दी गई, फिर एक किसी दूसरे मोबाइल से उनको कॉल किया गया जिसमें उनके साथ अभद्र व्यवहार और धमकी दी गई। इस प्रकरण को, उनके शिकायत को हमने संज्ञान में ले लिया है और 24 घंटे के भीतर इसमें मोबाइल CDR लेकर और विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न साक्ष्यों को एकत्रित कर हम इसमें जल्द ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गोलू शर्मा जो भी व्यक्ति हो, अगर उसने ये कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये हम सब जांच में पूरा ले लेंगे और अगर ये तथ्य आया तो निश्चित रूप से जिस भी व्यक्तियों ने अगर उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया है या गलत काम किया है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने मोबाइल के कॉल डिटेल, CDR और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।